खौफ क्यों है इतना हमारा कि आवाज भी सुनना चाहो ना तुम। जब हक की बात करें हम यूं तो बेआवाज करना चाहो तुम। अब जो आजाद देश है हमारा, फिर क्यों तुम अंग्रेजी हुकूमतों से लगते हो। जो बुलंद होके कह रहे हैं हम बात हमारी, तो हम पर लाठियां चलाओ क्यों तुम। उस देश के नागरिक है जहां जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अब चाहे तुम पानी की तोपों से हमें रोकना या लाठियों के खौफ से हमें डराना, लेकिन हम तो वैसे ही खून पसीने के वफादार हैं। ये चीज़ें हमें कैसे तड़पाएंगी। मौसम की बेरुखी सर्दी भी हम खेतों को जोतने वालों को कैसे डराएंगी। अरे ये जो तुम्हारी आंसुओं की गैस है, ये हमें क्या रुलाएंगी। इन आंखों में पहले ही आंसू सूख चुके हैं, रख लो इन्हें, किसी और विद्रोह को बेआवाज करने के लिए तुम्हारे काम आएंगी। किस चीज के गुनहगार हैं ये तो जरा बतलाते। ना ही चोर है ना ही फरेबी, किसान हैं, तुम्हारे लिए अनाज है उगाते। अगर इंसानी हक की बात करना गुनाह है, तो इन हुकूमतों से फरेब की बू आती है। किसी अदृश्य बेड़ियों में हमें जकड़ने की अनहोनी सी नजर आती है। ये कानून जो है ये वापस करवा के रहेंगे, ये बिल वापस करवा के ही रहेंगे। जो कर सको हमारे लिए कुछ, तो हमारे साथ अपनी भी आवाज बुलंद करना। बात रखने का हमें भी मिले हक, ये फरमान नजर करना। फिर से पूछ रहा हूँ, खौफ क्यों है इतना हमारा कि हमारी आवाज भी सुनना चाहो ना तुम। जब हक की बात करें हम यूं तो बेआवाज करना चाहो क्यों। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਲਈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਹਾਂ 4। ਅਬ ਬਤਾਓ ਆਪਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਕਬ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ, क्या लगता है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए भाई। यहाँ पे बादरूगढ़ में टीगरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे जो भी बैरिकेड लगाए हैं, उससे पब्लिक परेशान हो रही है। किसानों ने किसी का रास्ता रोका नहीं हुआ। अब किसानों की जो भी डिमांड है वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। अब हल क्या है इसका, कब तक चलेगा? देखो जी, हल तो क्या बताएं, ये तो सरकार को सोच। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हरियाणा से यहाँ? भाई हमारा कहना तो ये है कि सरकार किसानों की डिमांड पूरी करे, जो भी उनके माइंड में है भाई, या तो MSP की बारे में कह रहे हैं भाई, लिखित रूप में सरकार को देना चाहिए, जो भी है अपना करें, पब्लिक तो परेशान ना हो इसके। सरकार का तो ये कहना है कि ये कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, तो किसान भाई अच्छे है तो किसान क्यों बैठे है यहाँ पे? भाई साहब 2 महीने सर्दी के चले गए, कोई सर्दी में रोड पे रह सकता है क्या? किसानों ने 2 महीने सर्दी के गुजार दिए और अब गर्मी है, कितनी धूप पड़ेगी है तो देखो। सरकार को सोचना चाहिए किसानों के बारे में, क्योंकि ये हमारे देश का अन्नदाता है। अगर ये ही रोड पे आ गए तो फिर रह क्या गया? आपको क्या लगता है क्या हल है इस समस्या का? आज भी जैसे यहाँ पे KMP हाईवे पे इसको रोकने का प्रोग्राम था, काफ़ी ट्रैक्टर आए हुए थे, आपने भी देखे हैं, तो आगे का सरकार का और किसानों का क्या रहेगा? देखो सरकार को जो भी बातचीत पहले स्टार्टिंग में चली हुई थी किसानों के साथ, बातचीत का अब तो सरकार ने दौर भी ख़त्म कर दिया, ना किसानों की तरफ से कोई बातचीत है। बातचीत से जो भी रास्ता निकले वो निकालो, जो भी डिमांड है। हमारा दौर की बात करी है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को, सरकार कह रही है किसान समझ ही नहीं पा रहे, ना हम उनको समझा पा रहे हैं, तो मतलब उनकी जो मांग है वो जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। नरेंद्र तोमर का ये कहना है इसके बारे में। भाई साहब अगर इतने किसान रोड पे बैठे हैं, अगर जायज़ मांग नहीं है तो वैसे थोड़ा बैठे हैं। कह रहे किसानों को कानून समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ रहा भाई साहब, आज के टाइम में कोई अनपढ़ नहीं है। अगर खेती करने वाले को सरकार, कोई भी सरकार हो, ये सोचती हो कि अनपढ़ है तो ये गलत सोच है। सर
सरकार ये कह रही है जो पंजाब से किसान आए हुए हैं ये खालिस्तानी समर्थक हैं, इनको विदेश से फंड आ रहा है, जो हरियाणा का लोकल है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आप बताएं। देखो भाई साहब, ये तो बात गलत है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है, जो भी बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमने तो अभी तक एक भी दिन और रात में एक भी एक्टिविटी किसानों की ऐसी नहीं देखी जिस पे शक किया जाए। आप जाते रहते हैं रात में भी? बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन से। और रही बात पंजाब पंजाब नहीं, हरियाणा के भी बहुत ज़्यादा किसान बैठे हैं इन्हें। अच्छा, बिल्कुल। हरियाणा के यहाँ पे इस बेल्ट पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं इसमें? देखो किसान है इसमें जींद, कैथल, नरवाना। अच्छा, उधर के ज़्यादा किसान है, हिसार सिरसा साइड के। हाँ, और पंजाब में यहाँ पे मानसा साइड की बेल्ट लगती है। पंजाब के जो किसान हैं वो कौन कहाँ कहाँ से हैं? देखो उसके बारे में तो पंजाब का, तो पंजाब के बारे में। और यहाँ पे जो इनको किसान है, इनका फल सब्जी राशन गैस इसका अरेंजमेंट कौन कैसे देख रहा है? ये तो भाई साहब, ये आप ये लगा लो आस पड़ोस से, इधर उधर से हरियाणा के लोग कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। दूध है, हरियाणा के काफी लोग हेल्प कर रहे हैं, कच्ची सब्जियाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूध सीट फल सब्जियाँ जो भी है खाने पीने के पूरा हेल्प है, पानी का होगा, टैंकर होगा, जो भी है पूरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ के जो नज़दीक लगते किसान हैं। बिल्कुल, सरकार तो ये कह रही है कि ये कानून जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसान इसको समझे तो सही। तो मैडम सरकार समझाए ना किसानों को, समझा क्यों नहीं रही? समझाएगा कौन? हम आप थोड़ा समझाएंगे किसानों को भाई, जो भी कानून के प्रति संशय है वो समझाए सरकार। किसका दायित्व तो है, किसकी जिम्मेदारी है, वो सरकार की है या आपकी और हमारी है? भाई हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, अगर किसान कह रहे हैं हमको पहले तो कानून लेना ही नहीं, भाई हमें खाना ही नहीं जो चीज़ वो ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हो, पहली बात तो यही है। बिल्कुल सही बात, यही तो कह रहे हैं किसान। अच्छा भैया, आप डेली ऑटो चलाते हो, आप भी आंदोलन में पहले दिन से जुड़े हो, जैसे कि हमने आपके ऑटो पे बैठे, हमें कहीं जाना था, गाड़ी हमारी दूर खड़ी थी, आपने हमें लिफ्ट दी और हमें छोड़ा उस जगह तक, लेकिन जब हम आपकी बातें सुन रहे थे तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना हम आपका एक इंटरव्यू ले, जो एक रोज का कमाना रोज का खाना आप करते हैं, आपकी सोच हम सुन रहे थे आपकी जुबानी। तो आपको क्या लगता है कि 100 दिन से भी ज़्यादा किसान यहाँ पर बैठे हैं, आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग होंगे किसानों के लिए, क्योंकि सर्दी की रातें थी, अब गर्मी है, लू चलेगी, क्या लगता है कि किसान ऐसे ही डटे रहेंगे? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल डटे रहेंगे, हमें नहीं लगता किसान वापस जाएंगे। देखो ये इस बारे में तो क्या बताएं भाई साहब, बाकी किसान जो संघर्ष करते हैं, किसानों का संघर्ष जारी है, हो सकता आगे जाके बात बन जाए। किसान आंदोलन को बंगाल के इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है कि किसान वहाँ पे जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो किसान वहाँ पे जा रहे हैं, अब किसानों ने, मैंने भी देखा था कल न्यूज़ चैनल पे ये बता रहे थे किसान कि देखो हम बंगाल जाएंगे, हम सिर्फ वहाँ पे ये प्रचार करेंगे कि बीजेपी की वोट नहीं करनी, वो किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जा रहे उधर, वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि बीजेपी की वोट नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने ये तीन जो काले कानून बनाए हैं ये किसी के भी हक में है नहीं, किसान किसान के नहीं, किसी के भी हक में नहीं है वो, ना कि किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए उधर जाए। वो तो कह रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे वहाँ पे, सोने का बंगला बंगाल बनाएंगे। भाई साहब देखो, वोट तो हमने भी बीजेपी की डाली थी हरियाणा इलेक्शन में भी और सेंटर में भी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे, पर उन्होंने जो बातें कही थी आज तक एक भी पूरी नहीं की। अच्छा, हरियाणा का जिक्र यहाँ पे, हरियाणा का जिक्र आपने यहाँ पे किया है, अगर हम हरियाणा में मौजूदा सरकार की बात करें बीजेपी की, वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो ये कहते हैं कि मैं किसानों का जो रेट है उस पर पूरी फसल की जो है वो बिकाऊंगा, अगर किसान कहे तो मैं सरकार, केंद्र सरकार से बात करूं। तो
मैडम डिप्टी सीएम ने तो पहले भी मुलाकात की थी गृह मंत्री जी से, क्या हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ।